अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मैं हूँ शेख फरदीन, आप देख रहे हैं फरदीन डिज़ाइनर। थंबनेल में जो हमने डिज़ाइन बनाया है उस डिज़ाइन को करेंगे, उस डिज़ाइन को बनाएंगे, वो किस तरह से बनाएंगे उसके लिए पिक्सेल लैब की जरूरत पड़ेगी। पिक्सेल लैब में आ जाएंगे, ओपन करेंगे और यहाँ से हम नाम लिख लेते हैं सना। तो मुझे सना, सादिया, सबा कुछ भी लिखना है, तो पहले एस लिखेंगे और इसको इसकी साइज़ इंक्रीज़ कर लेते हैं और यहाँ पे इस तरह रख लेंगे। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ए बी फॉन्ट आएगा, यहाँ पे माय फॉन्ट में आ जाएंगे और यहाँ पे एक ये है, क्या नाम है, आर, ये रस्टी स्टोर रेगुलर, ये वाला फॉन्ट हम ले लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा इसकी साइज़ इंक्रीज़ कर लेते हैं और यहाँ पे रख लेते हैं इसको, और इसी को हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम नाम लिख लेते हैं सबा, और इस तरह से हम ये कर लेंगे। और इसको यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से हम छोटा कर लेते हैं और इसकी स्पेसिंग हम इसकी बढ़ा देते हैं जी। हमने इसकी स्पेसिंग बढ़ा दी और इसको इस तरह से यहाँ पे रख लिया। सो यहाँ पे आएंगे, ट्रांसपेरेंट में आएंगे, मेमोरी में आएंगे, सेव एज इमेज पे आएंगे, डिफ़ॉल्ट पर रख के अल्ट्रा पे रख के सेव टू गैलरी कर देते। अब स्विच करते हैं प्योर टच एप्लीकेशन की तरफ। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। नाज़रीन देख सकते हैं हम पेज टच में आ चुके हैं और हमने बैकग्राउंड भी इंपोर्ट कर लिया है। उसके बाद हम नेम इंपोर्ट करेंगे। नेम इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, प्लस का आइकन पे फोटो लेयर, फोटो लाइब्रेरी में आ जाएंगे और बैक आ जाएंगे। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, पिक्सेल लैब के फोल्डर पर आ जाएंगे और नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे तो यहाँ पर वो नेम मिल जाएगा सबा। तो इस तरह से इसको यहाँ पर हम सेट कर लेते हैं और इसको कुछ इस तरह से यहाँ पर रख लेते हैं, यहाँ पर जी यहाँ पे रख लेते हैं और ओके कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इफेक्ट्स में आएंगे, बेवल में आ जाते हैं। बेवल हम कितना देंगे, 8 देते हैं और डिस्टेंस भी हम इसकी 8 कर देते हैं। और यहाँ पे आएंगे और फर्स्ट हम 135 कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद टू लाइन में आएंगे, कर्व में आते हैं, कुछ इस तरह का हम कर्व ले लेंगे। उसके बाद इफेक्ट्स में आएंगे, बेवल में आ जाते हैं, उसके बाद हम डायरेक्ट 180 का ले लेते हैं। फिर इफेक्ट्स में आएंगे, कर्व में आ जाते हैं, उसके बाद इफेक्ट्स में आएंगे, बेवल में आते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे डायरेक्ट 45 का ले लेते हैं। उसके बाद इफेक्ट्स में आएंगे, बेवल में आएंगे और उसके बाद हम 90 का ले लेते हैं। उसके बाद इफेक्ट्स में आएंगे, बेवल में आते हैं, उसके बाद एंगल हम 0 ले लेते हैं। उसके बाद टू लाइन में आएंगे, कर्व में आ जाते हैं, कर्व कुछ इस तरह का रखेंगे हम अब की बार। थोड़ा इसको साइज इस तरह से इंक्रीज कर लेते हैं, ठीक है। ये कुछ आउटलाइन जो बाहर बन के आई है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और इसको ना डुप्लिकेट लेयर बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, नॉर्मल पे क्लिक करेंगे, ओवरले कर देते हैं। यहाँ पे आएंगे और टिंट पे आ जाते हैं और टिंट पे आने के बाद कोई अच्छा सा कलर हम इस पर अप्लाई कर देंगे। चलिए ये कलर अप्लाई कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आएंगे और मर्च डाउन कर देंगे। कुछ इस तरह से ये बन गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, सेलेक्ट पिक्सेल करते हैं, उसके बाद यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आके एम्प्टी लेयर ले लेते हैं। उसके बाद एंड पे आएंगे, फिर एंड स्ट्रोक पे आ जाते हैं, टाइप में आएंगे और स्ट्रोक देते हैं, स्ट्रोक हम विथ यहाँ से हम 8 कर देते हैं और यहाँ से डिसलेक्ट कर देंगे और यहाँ पे आके हम इसको भी डिसलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे इफेक्ट्स में आएंगे, बेवल में आ जाते हैं, बेवल हम कितना देंगे, बराबर देंगे 8 देंगे और यहाँ पे सबसे पहले हम 180 का कर देते हैं। फिक्स में आएंगे, बेवल में आते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं 45 कर देते हैं। फिक्स में आएंगे, बेवल में आते हैं, उसके बाद यहाँ पे आएंगे 135 कर देते हैं। फिक्स में आएंगे, बेवल में आते हैं, उसके बाद यहाँ पे आएंगे 0 कर देंगे। उसके बाद इफेक्ट्स में आते हैं, बेवल में आएंगे और एंगल हम यहाँ से 90 कर देते हैं। सो टू लाइन में आएंगे, कर्व में आ जाते हैं, कर्व हम कुछ इस तरह का रहेंगे, यहाँ पे एक यहाँ पे
एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, इस तरह का भी दे सकते हैं या फिर इस तरह का, ये भी, ये देख देख के देखते हैं। चलिए ये दे देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आएंगे, फोटो में आएंगे और सॉफ्ट स्किन पे आएंगे, थ्रेशोल्ड बढ़ा देंगे, इंटेंसिटी भी बढ़ा देते हैं, एक मरतबा, दो मरतबा, तीन मरतबा। उसके बाद इफेक्ट्स में आएंगे, बेसिक में आएंगे और टेंट पे आ जाते हैं। टेंट पे आने के बाद कुछ कलर ये रखेंगे, ये कुछ इस तरह से ये नज़र आ रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहीं पे आएंगे और इफेक्ट्स में आएंगे और ड्रॉप शैडो देते हैं। ड्रॉप शैडो यहाँ से 8-6 करेंगे, डिस्टेंस यहाँ से 8 कर देते हैं, ओके कर देंगे, ठीक है। ये कुछ इस तरह का डिज़ाइन बन के तैयार है। उसके बाद हमें करना है, यहाँ पे आएंगे और इसको एक डुप्लीकेट लेयर बनाना है। उसके बाद यहाँ पे आएंगे और ओवरले कर देंगे, फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे, मर्ज डाउन कर देंगे, फिर यहाँ पे आएंगे, यहाँ प्लस के आइकन पे आएंगे, डुप्लीकेट लेयर पे आएंगे, उसके बाद यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे आएंगे मर्ज डाउन कर देंगे, ठीक है। मर्ज डाउन ये हमारा हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और इन दोनों को मर्ज कर देते हैं। मर्ज करने के बाद अब हम जो ये करेंगे, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, सॉरी यहाँ पे आएंगे, सेलेक्ट पिक्सल करते हैं। उसके बाद फिर यहीं पे आएंगे, ट्रांसफॉर्म में आ जाते हैं और एक्सपेंड पे आ जाते हैं और इसको एक्सपेंड बढ़ा लेते हैं 20। फिर यहाँ पे आएंगे, फिर ट्रांसफॉर्म में आएंगे और एक्सपेंड बढ़ा लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे और इफेक्ट्स में आएंगे और गाजियन ब्लर, ये हम यहाँ पे आएंगे और कुछ कलर यहाँ से कर देते हैं। कौन सा कलर, चलिए ये कलर ले लिया। उसके बाद यहीं पे आएंगे और एम्प्टी लेयर पे यहाँ पे आएंगे और फिल एंड स्ट्रोक पे आ जाते हैं और स्ट्रोक यहाँ से 15 कर देते हैं, 15 नहीं, यहाँ से हम 12 करेंगे, स्ट्रोक 12 या 10, चलो 10 कर देते हैं। और यहाँ पे आएंगे, डिसलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आएंगे फिक्स में, बेवल में आ जाते हैं, बेवल सेम देंगे। उसके बाद यहाँ पे आएंगे और 180 एफएक्स बेवल, उसके बाद यहाँ पे 45 एफएक्स बेवल, उसके बाद यहाँ पे आएंगे 135 एफएक्स बेवल, उसके बाद यहाँ पे 0, यहाँ पे आएंगे, फिर यहाँ पे आएंगे, फिर यहाँ पे आएंगे और यहाँ से आपके पास 90 ले लेते हैं। उसके बाद टू लाइन में आएंगे, कर्व में आ जाते हैं, कर्व कुछ इस तरह का ले लेते हैं हम, ओके कर देंगे। उसके बाद एफएक्स में आएंगे, फोटो में आएंगे और सॉफ्ट स्किन ले लेते हैं, एक मरतबा, दो मरतबा, तीन मरतबा, ये हमारा कुछ इस तरह से बन गया। उसके बाद यहाँ पे आएंगे और सॉफ्ट स्किन ले लिया, फिर इफेक्ट्स में आएंगे, बेसिक में आएंगे और यहाँ पे कलर अप्लाई कर देते हैं। कलर कुछ इस तरह का हम ले लेते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो कलर ले लीजिएगा। तो मुझे कोई दूसरा कलर यहाँ से अप्लाई करना है, ये वाला कलर मैं यहाँ पे अप्लाई कर दिया, ठीक है। कुछ इस तरह से ये बन गया हमारा। उसके बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको दोनों को मर्ज कर देते हैं। उसके बाद इफेक्ट्स में आएंगे, ग्लो में आ जाते हैं, ग्लो में आने के बाद वाइट कलर 0.6 कर देते हैं और ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आएंगे, सेव में आ जाते हैं, उसके बाद यहाँ पे आएंगे, सेव टू गैलरी करते हैं, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये सेव हो जाएगा। बस ये वीडियो था आपके लिए।